नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो है इंडियन नेवी SSR AA के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना उसके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। दोस्तों 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो जकार्ता जो है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा जकार्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो आपसे पूछा गया था अबंडन का सिनोनियम। तो अबंडन का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। तो अबंडन का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है प्रचुर, यानी एक पर्याप्त मात्रा में जो है अबंडन का मीनिंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मेलो का सिनोनियम। मेलो का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है मधुर, यानी एक जो मधुर है आप कह सकते हैं मीठा है, जिसकी बातों में काफ़ी मधुरता है, मधुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मीनिंग जो होता है मेलो का वो मधुर होता है। उसके बाद दोस्तों फ्यूरी का आपसे सिनोनियम पूछा गया था, तो फ्यूरी का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है ग्रो, यानी जो गुस्सा करता है, रोस करता है, क्रोध करता है, गुस्सा रोस या फिर क्रोध जो है फ्यूरी का मीनिंग हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसका सिनोनियम चुन सकते हैं। उसके बाद अगला जो पूछा था दोस्तों वॉइस भी एक कंटेंट ने जो हमारे साथ शेयर किए हैं, पैसिव वॉइस आपसे पूछा था किसका, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, इसका आपको पैसिव बनाना था, यानी एक्टिव दी हुई है पैसिव आपको बनाना था। तो इसका बिल्कुल ईजी है दोस्तों, सिंपल कंसेप्चुअल आपको दिया नहीं हुआ है, सिंपल दिया हुआ है आवर एल्डर मस्ट बी ओबेड बाय अस, आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय अस। तो ये दोस्तों इसका जो है सिनोनिम ये पैसिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो नरेशन का क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया था डोना सेड, यहाँ पर दोस्तों कोई और नाम था, डोना नहीं था, लेकिन यही था दोस्तों जो आगे की आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम थी। डोना सेड आई कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई लव इंडियन फूड। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों, इनडायरेक्ट जो बनेगा वो बनेगा डोना सेड डैट सी लव इंडियन फूड, डोना सेड डैट सी लव इंडियन फूड जो है इसकी जो है इनडायरेक्ट बन जाएगी। अगला जो पूछा दोस्तों स्टर्न का एंटोनियम आपसे पूछा था, तो स्टर्न का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है कठोर, यानी जो हार्ड होता है कठोर होता है वो जो है स्टर्न का मीनिंग होता है। और इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसका एंटोनियम चुन सकते हैं, जो कठोर यानी हार्ड के अपोजिट मीनिंग दे वो दोस्तों इसका एंटोनियम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, फेज डिफरेंस आपसे पूछा था नोड और एंटी नोड के बीच का, यानी व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो 90 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो फेज डिफरेंस है नोड का और उसके नियरेस्ट एंटी नोड का 90 डिग्री होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों वो पूछा था 2019 का ब्लाइंड कप चैंपियन कौन था, हु इज द विनर ऑफ ब्लाइंड कप 2019। तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान को उसने डिफीट किया था, 2019 का ब्लाइंड कप विनर भारत है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा आप मुश्किल कह सकते हैं, हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी आपसे पूछा था, हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी। तो टेड होफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेड होफ ने दोस्तों बाकी मिलके तो कईयों ने किया था लेकिन टेड होफ को इसका श्रेय जाता है, टेड होफ ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों नागार्जुन श्रीशैल, नागार्जुन वो बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो कृष्णा नदी पर दोस्तों बनाई गई है नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर कृष्णा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा देश की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी आप सभी को पता है दोस्तों हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। और दोस्तों इनफैक्ट जो मैं प्रैक्टिस सेटअप करवाता था कई क्वेश्चन जो है उसी में से रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, कल ही दोस्तों ये आपका कल की शिफ्ट में भी पूछा गया था क्वेश्चन और आज की शिफ्ट में भी इसे इंक्लूड किया गया है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों हमने कई बार इसको पढ़ा भी हुआ है, गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी, विजय रूपानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप टफ भी कह सकते हैं, जिनको पता है उनके लिए ईजी है, क्रोआतिया देश की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोआतिया। तो क्रोआतिया देश की मुद्रा आपसे पूछी है, तो इसकी जो मुद्रा होती है क्रोआतियन कूना होती है, क्रोआतियन कूना जो है क्रोआतिया देश की मुद्रा है।
दोस्तों अभी जो है फिलहाल के लिए हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी जैसे ही और क्वेश्चन आएंगे अगली शिफ्ट के, उससे अगली शिफ्ट के, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो आपको घंटी का आइकन दिखे उसे जो है दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया था तो और क्वेश्चन अगर आपको रिमाइंड है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।